और भाई क्या हाल? तो भैया हम बात करेंगे इंडियन रोस्टर कम्युनिटी के बारे में, जहाँ कुछ लोग गाली देने को ही रोस्टिंग समझ लेते हैं और कुछ रिएक्शन पे गाली देकर अपने आप को रोस्टर समझते हैं। अबे तूने भी तो कुछ नाम रोस्टर रखा है। तो क्या हो गया? तो तू कमर क्या चाहते है ये बता। मैं इन बिगड़े हुए बच्चों को बताऊंगा कि रोस्टिंग होती क्या है। किसकी तरह? अबे ये तो चूतिया था। तो भैया मैं बोलूंगा, अपना मुंह खोलूंगा और सबकी पोल खोलूंगा, चाहे वो कैरी हो, धीरू हो या डेंगरिसू, सबकी गांड आज मैं तोड़ूंगा। अबे तू अपनी जगह थोड़ा बैठियो। अबे तू बीच में बोलना बंद कर दे वरना मैं तेरी गांड तोड़ दूंगा। अबे हाथ तो लगा के दिखा, हाथ ही तो तोड़ दूंगा तेरे। मैं मुझे करना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अबे चल ठीक है, कर ले कर ले जो करना कर ले। सबको पता है इंडिया में रोस्टिंग शुरुआत कैरीमिनाटी ने किया था, और उस समय लोगों को लगता था कि गाली देना ही रोस्टिंग होता है। फिर क्या था, हिंदुस्तान में रहने वाले दो चूतियों का लगा, जैसे गरीब और बीबीज, इन दोनों को ऐसी वीडियो मुझे बता दो जिसमें उन्होंने गाली ना दी हो। भाई तुम्हारी आंखें फट जाएंगी, गांड फट जाएगी, लेकिन तुम्हें कभी इनकी बिना गाली वाली वीडियो मिलेगी नहीं। अब क्योंकि इन्होंने बनाई नहीं है कभी जिंदगी में। बीबी जी और गरीब जैसे रोस्टर को लगता है गाली देना ही सरकैज़म होता है, और ऐसे ही लोगों की ऑडियंस टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने कभी बताया नहीं होता अपनी ऑडियंस को कि रोस्टिंग होती क्या है और रोस्टिंग के नियम क्या होते हैं। देखो रोस्टिंग का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ना कि बिलो तो बैठ जाना। पर बीबी जी और गरीब जैसे रोस्टर को बिलो तो बैठ जाने में ही मजा आता है। और इन दोनों में एक समानता और भी है। वो क्या है? जो गाली देना ही रोस्टिंग नहीं होती, वैसे ही रिएक्शन पर गाली देना भी रोस्टिंग नहीं होती। अरे चूतिया तू भी तो गाली देता है। अबे मुझे रोस्ट नहीं करना है, इन लोगों को रोस्ट करना है, समझ में आई तेरे बात? मोचक अपनी वीडियो में दर्जन भर साउंड इफेक्ट, किसी एक वीडियो पर रिएक्शन देख के दो तीन गाली बक देता तो उसको ऑडियंस को लगता है इसने भाई कर दिया रोस्ट। और तो और छोटे यूट्यूबर के कंटेंट चला लेते हैं। सही पकड़ा है तूने, अभी ला भी दे। बस ठीक है। देखो धीरूमंचिक और रिएक्शन चैनल में क्या फर्क है? रिएक्शन चैनल वाले वीडियो देखकर बोलते हैं वाह भाई क्या बढ़िया वीडियो थी, और धीरूमंचिक ये कहता है बस। और भाई सिर्फ पूरी वीडियो में हंसता भी रहता है। अबे वो इसलिए हंसता है, इसे पता है ये अपनी वीडियो में खुद नहीं हंसेगा तो ऑडियंस कहां से हंसेगी। तो धीरू मोची को देखकर सनरे ने बीबी ऐसा स्टार्ट कर दिया है, वो वीडियो पे रिएक्शन देता तो अपनी दो तीन गाली बक देता है वाह। जैसे तूने और बहुत सारे यूट्यूबर को देखकर अपना चैनल स्टार्ट किया। अबे ये सब ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लिख देगी तू मत कह भाई। अब तो भाई एल्विस भी रोस्टर बन चुका है, साला अपने मेन चैनल में हग ही रहा था, अब रोस्टिंग कम्युनिटी में भी हग रहा है। अबे तू भी तो यूट्यूब पे हग ही रहा है। वो फड़ी के फिर तू बोल रहा है। देखो एल्विस तो लक्ष्य को लगता है वही असली देशभक्त है, बाकी सब तो चूतिया है। अबे फुलसी के फोड़े, अंडे के पकौड़े, कीड़े मकौड़े। अबे मेले लेके आ जा तो तीन ब्रेड पकौड़े। मैं देख रो दूंगा, मत बोल बीच में। तू जाके खाने बोल। ये ये ये। अब बंटी बीच में नहीं बोलेगा भाई, एक खून तो भगवान ही माफ करता है। तो हम कहाँ थे? एल्विस और लक्ष्य दोनों आए दिन यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहता है, पता नहीं क्यों यार, कोई ना कोई जाके यार इंटरनेट कनेक्शन काट दो यार प्लीज, तुम सबसे बड़ी कृपा करोगे तुम ये यूट्यूब इंडस्ट्री में। लक्ष्य ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ वो बताता है यूट्यूब पर कोई भी मुंह उठा के चला आता है। भाई इसने बात तो सही की थी, आपको कोई भी मुंह उठा के चला आता है। जैसे तू। पर मैं तुमको बात बता दूं और उससे भी, वह तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना आकर टैलेंट दिखा सकते हो हर कोई। पहली बात तुम होते कौन है किसको बताने की कि तू यूट्यूब पे आ कि तू यूट्यूब पे मत आ। भाई किसी को मोटिवेट नहीं करता, डीमोटिवेट भी मत करो। जब तू भी यूट्यूब पे आ रहा होगा तो जो भी लोगों ने कहा होगा भैया यूट्यूब पे मत आ तेरे बस की नहीं है, पर तू आया, तूने मेहनत की, बन गया ना। वैसे ऑडियंस को चूतिया बना के किया पर कर तो लिया ना, पहले ही बॉलीवुड में रेपुटेशन फैल रखा है, तू यूट्यूब इंडस्ट्री में और फैला दे। एल्विस के क्या ही कहने, जो इंसान अपनी ट्यूशन टीचर की बेटी को पटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एल्विस रोस्टी के नाम पे बॉडी शेविंग करता है और प्रोपेगेंडा चलाता है। देखो भाई बॉडी शेविंग वही करता है जो अपने आपको तुर्रम खान समझता है और दूसरे को चूसा हुआ आम, और तो इसे लगता है कि हिंदू खतरे में। अबे भोसड़ी के हिंदू खतरे में नहीं है, तू सबसे बड़ा हिंदू दानव है जो ही अपने देश मारने देने वाले किसानों को देशद्रोही बताता है। मैं बस ही बता रहा हूँ, ऊपर जाके ना भाई भगवान को मुंह दिखाना है, कुछ तो सोच ले। ये स्तुति ने यूट्यूब इंडस्ट्री में क्या मोटिवेट किया है? टिकटॉक को बैंड करा के, अबे भोसड़ी आज नहीं तो कल बैंड हो ही जाता, तेरा क्या उसमें मोटिव था? ते चक्कर में लक्ष्य थगे जैसे के 1 मिलियन हिट हो गए उस समय। भूख के चाटने वाले बीबीजे के बारे में वीडियो में कुछ डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं गालियों को कम या बिल्कुल ही नहीं रखूंगा क्योंकि वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो फिर बीबीजे के फैंस इसे देख नहीं पाएंगे। भाई दोनों यूट्यूब इंडस्ट्री के वो सफाई कर्मचारी है जो झाड़ू लेकर गंदगी और गंदगी फैलाने वालों को साफ करना चाहते हैं, पर इनके पास भाई झाड़ू ही नहीं है, झाड़ू का मतलब सब्सक्राइबर। इनकी वीडियो देख के मैं समझ में नहीं आता ये यूट्यूब पर करियर बनाने आया है किसे करियर बर्बाद करने। पर कहते हैं ना हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, इन चीज में कुछ खामी है, जैसे मीम पे रिएक्शन। अगर खुद को प्यूटीपाई समझते हो क्या जो मैं मीम पे रिएक्शन दूंगे? पर दोनों में भी एक सिमिलरिटी और है, ये दोनों भोसड़ी वाले भी कैरी का नाम पे खाते हैं। अबे कुछ तो शर्म कर लो, सफाई करने आ रहे हो तुम उनके नाम पे खाते हो, चल।
और उसके बाद थगेश और ट्रिगर निशान ये दोनों अपने ही जोक्स पर हंसते हैं और अपने आप को क्लीन रोस्टर कहते हैं। एक अपनी बचपनी कहानी बताता है जिस समय वो कितना चूतिया था वो बताता है, दूसरा ट्रेंडिंग पर वीडियो का इसलिए रोस्ट करता है कि उसकी वीडियो ट्रेंडिंग मानी चाहिए थी। अबे भैंस यार तुम दोनों का करियर ना बर्बाद है भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। भाई देखो एक समय के बाद हर किसी के पास कंटेंट की कमी हो जाती है, इसका ये मतलब थी ना तुम किसी से कंटेंट चुरा लो, पर चुराने के बाद अगर खुद बोल लो कि हाँ भैया मेरे से गलती हुई, तो भैया तुमसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। पर जिसे गुरु ही सहमन जैसा हो सकता है वो क्या कर सकते हैं। अब वो जो बिग यूट्यूबर को ही रोस्ट करते हैं जैसे पायल जोन और कैप्टन इंडिया, ये दोनों यूट्यूब पर क्यों वीडियो अपलोड करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कैप्टन इंडिया की वीडियो में ओवर एडिटिंग होती है और पायल जोन की वीडियो वो अपलोड ही क्यों करती है भाई। पायल जोन और गोवर जोन में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई साहब गाली खाने काम करते हैं, पर कैप्टन इंडिया भाई इसके भाई ये भी ना बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम का छापता और कुछ जैसे अमित बड़ाना, बीबी के वाइंस और इसके फेवरेट टेक्निकल गुरु जी। भाई मुझे लगता है सपने में से टेक्निकल गुरुजी ब्लोजब देने आते होंगे। पायल जोन को पैसे और व्यूज से मतलब है, कंटेंट से नहीं। फिर लगता है लक्ष्य सही कहता है, हर किसी को यूट्यूब पर चलाना नहीं चाहिए। देखो अब नया जमाना है तो नए रोस्टर भी आएंगे जैसे टॉक्सिक और बेरोजगार, भाई बहुत सारे हैं, मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता। तो भाई कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं तो कोई कुछ वही भीड़ चाल, कुछ नहीं बदलेगा इसके अंदर। भाई जब तक बाप की चप्पल पहनूंगा ना तब तक कुछ नहीं बदल पाऊंगा तुम लोग। तो भी बहुत सारे आजकल के रोस्टर जो फैक्ट्स पर रोस्ट करते हैं भाई सही बात है, और कुछ वही भीड़ चाल गाली गलौज। अबे मेरी बात सुनो, अमानी के चूते कस्टमर और नेट पैक यूज करो तो जानकारी लेके आओ। अबे कब तक रात को मियां खलीफा देख अपना बुर्ज खलीफा लाते रहोगे। सिल्वर पॉइंट और कैरीमिनाटी दोनों में क्या फर्क है, एक गाली देता है और दूसरा गाली नहीं देता है, पर दोनों ही करियर बर्बाद करते हैं। म्यूजिक सिल्वर पॉइंट पहले सर्वे करता था, अब अपनी वीडियो में दूसरों का रोस्ट करता है, स्किट्स बनाता है। अब क्यों बनाते हो यार, समझ में नहीं आता इनकी रोस्ट वीडियो बेकार होती है इनकी स्किट्स। और कैरीमिनाटी अब इनके क्या ही कहने, पर भाई मैंने सुना है आप भी किसी का रोस्ट करके आए हो जैसे बीबी के वाइन। भाई मैं नहीं, लोग कहते हैं कि आपने बीबी का रोस्ट किया तो ये आपको फेम मिला, तो लोग हैं लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बस भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भैया जो करना है कर दो, मुझे नहीं पता। और भाई मैं होता कौन को उस कहने वाला, अबे तू जिंदा है के अच्छा अच्छा तो भाई अगर